मध्य प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल ने उनकी बेटी द्वारा आरक्षण का लाभ लेने के बाद बयान दिया कि अब उनके परिवार में कोई 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा है कि वे अपने बच्चों को 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिलवाएंगे। उनकी बेटियां हैं, उनका परिवार इसका फायदा नहीं लेगा। पटेल ने यह बयान तब दिया है जब उनकी एक बेटी इसी ओबीसी कोटे से एमपीपीएससी में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चयनित हुई है और अभी भोपाल में पदस्थ है। बीजेपी मुख्यालय में रामखिलावन पटेल ने कहा कि मेरा परिवार 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। मैंने तो घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में मेरे बच्चे कोई 27% आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। उनकी बेटी द्वारा आरक्षण का लाभ लिया गया है, ये पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि जब वे मंत्री नहीं थे तब बड़ी बेटी ने ओबीसी आरक्षण का लाभ लिया है, आगे कोई बेटी इसका फायदा नहीं लेगी। पटेल से सवाल किया गया कि क्या सक्षम या क्रीमी लेयर में आ चुके लोगों को आरक्षण का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा यह उनके व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करता है। उसमें सारी व्यवस्थाएं आरक्षण में आर्थिक आधार की भी, जो क्रीमी लेयर में लोग आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आबादी 52% से अधिक है, अगर 27% आरक्षण मिल रहा है तो किसी का उसमें अधिकार का हनन नहीं हो रहा। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का नीट एग्जाम को लेकर किया गया फैसला ऐतिहासिक है, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फायदा होगा। पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 53 जातियां हैं जिन्हें वर्तमान में 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जल्द ही ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जिनसे इन जातियों को फायदा मिलेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।